नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉइजी में। और आज हम सभी लोग कवर करने वाले हैं कंपनी अधिनियम 2013 में कितने प्रकार की कंपनियां बताई गई है। सो टुडेज टॉपिक इज काइंड्स ऑफ द कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। हम सभी जानते हैं कंपनी एक बिजनेस एंटिटी होती है। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप चालू हुआ था, उसके बाद पार्टनरशिप चालू हुआ, और सबसे मॉडर्न फॉर्म जो है बिजनेस का वो है कंपनी। कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन हु स्टार्टेड बिजनेस, हु स्टार्ट्स बिजनेस फॉर द सम स्पेशल कॉज, यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस को लेकर कंपनी बिजनेस प्रारंभ करती है। और कंपनी एक आधुनिक बिजनेस का प्रारूप है, और कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 से कंपनियां विनियमित हो रही हैं। इसके पहले का जो अधिनियम था वो था कंपनी अधिनियम 1956, लेकिन 2013 में पूरा कंपनी अधिनियम ही बदल दिया गया है। और इस कंपनी अधिनियम में कंपनियां कितने प्रकार की होती है, बेसिकली तो तीन प्रकार की बताई गई है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कंपनियों के नाम भी बताए गए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कंपनियां कितने प्रकार की होती है और हर कंपनी का प्रकार ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका नेचर क्या है। सो टुडेज टॉपिक इज काइंड्स ऑफ द कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनियों के प्रकार। तो सबसे पहले कंपनी बिजनेस एंटिटी है और कंपनियों के ऊपर कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। इसके पहले कंपनी अधिनियम 1956 चलता था। अब यदि काइंड्स को देखें तो सबसे पहली कंपनी बताई गई है पब्लिक कंपनी, जिसको सार्वजनिक अथवा लोक कंपनी भी कहा जाता है। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है, सेक्शन 271 में, 2 क्लॉज 71 में कंपनी को बताया गया है कि ऐसी कंपनी पब्लिक कंपनी होती है जिसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कंपनी के शेयर को ट्रांसफर करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, और यह भी कहा जाता है कि जिसकी मिनिमम संख्या 7 है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, ऐसी कंपनी को पब्लिक कंपनी कहा जाता है। दूसरी कंपनी है प्राइवेट कंपनी, नाम से स्पष्ट है, प्राइवेट इन निजी कंपनी या असार्वजनिक कंपनी। असार्वजनिक कंपनी जिसके शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते, ट्रांसफर पर रोक लगी हुई है, शेयर ट्रांसफर मतलब उनका अंतरण नहीं हो सकेगा। और पिछले जो अधिनियम था उसमें मिनिमम 2 से 50 मेंबर थे, लेकिन अब वर्तमान में मैक्सिमम इसमें बता दिया गया है कि 200 सदस्य हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। और इसकी जो परिभाषा है 268 में, 2 क्लॉज 68 में समझाई गई है। वन पर्सन कंपनी एक नया कंसेप्ट है जो अभी के एक्ट में जुड़ा। वन पर्सन कंपनी यानी नाम से स्पष्ट है, एक ही व्यक्ति द्वारा कंपनी प्रारंभ की जाएगी, और वह जो व्यक्ति है ये स्मॉल बिजनेस के लिए वन कंपनी का कंसेप्ट आया है, सेक्शन 262 में से एक्सप्लेन किया गया, 2 क्लॉज 62 में। इसके अलावा भी और कंपनियां हैं, चार्टर्ड कंपनी, कई जगहों पे चार्टर्ड कंपनी का नाम इस्तेमाल होता है। चार्टर्ड कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी है जो भारत के आजादी के पहले इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, जो जिनका एग्जिस्टेंस आजादी के पहले का है वो चार्टर्ड कंपनी के नाम से जानी जाती है। स्टेट्यूटरी कंपनी, नाम से स्पष्ट है, स्टेट्यूटरी यानी स्टेट्यूट, स्टेट्यूट का मतलब होता है किसी कानून, किसी अधिनियम से जो कंपनियां बनी है, यानी उस कंपनी को बनाने में राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने कानून लाया है। तो स्पेशल एक्ट से, विशेष अधिनियमों से जो कंपनियां बनती हैं उसे कहा जाता है स्टेट्यूटरी कंपनी। इसके बाद है रजिस्टर्ड कंपनी। जब कभी भी हम रजिस्टर्ड कंपनी का नाम सुने तो रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब यही हो गया कि जो कंपनी अधिनियम 2013 में रजिस्टर्ड है, मतलब पंजीकृत कंपनी। इसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें असीमित दायित्व होता है, जो शेयर होल्डर है वो लोग लायबल होंगे, इवन उनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी अराइज होगी। यदि कंपनी को लॉस होता है तो मेंबर्स लायबल होते हैं, अनलिमिटेड तरीके से लायबल होते हैं। 292 में बताया गया, 2 क्लॉज 92, इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी तक रिकवर हो सकती है। इसके बाद आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का तात्पर्य होता है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी की बात हो रही है, इसमें गारंटी दी जाती है कि वाइंडिंग अप तक कोई व्यक्ति कितने लॉस तक लायबल होगा, तो ऐसी कंपनी को कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहा जाता है, 2 क्लॉज 21 में डिफाइन किया गया है। और एक है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ऐसी कंपनी जो शेयर तक लायबल है, अनपेड शेयर तक है, हर व्यक्ति कहां तक लायबल है, मेंबर अनपेड शेयर वैल्यू तक ही लायबल है, उस कंपनी को कहा जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन 2 क्लॉज 22 में इसे डिफाइन किया गया है। तो ये है मित्रों कंपनी और कंपनी के प्रकार, कितने प्रकार की कंपनी वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 में बताई गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।